हेलो ट्रेडर्स, तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि नो ट्रेडिंग जोन कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और हमें कैसे पता चले कि किस स्टॉक में कहां पर नो ट्रेडिंग जोन है जिसके बीच में हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी कि अगर हम कोई स्टॉक देखते हैं तो उसका किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करें कि हमको पता पड़ जाए कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए या साइडवेज हो, और इसमें हम फिर नो ट्रेडिंग जोन बनाएंगे और इसके बाद हम उसमें टारगेट कैसे सेट करना है और उसमें स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है वो भी सीखेंगे। तो चलिए, अब कोई टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट चलते हैं हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ट्रेडर्स, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब हम देखेंगे कि किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और उसमें हमारी साइकोलॉजी क्या रहती है कोई भी एनालिसिस करते समय। तो अभी जो हम स्टॉक यूज करने वाले हैं वो है बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज का। तो इसको हमने सबसे पहले तीन टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि आपको ये 1 डे की टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये स्टॉक एक तो अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक पूरा का पूरा आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड में है। तो अब इसको हम एनालिसिस करने के पीछे हमारी साइकोलॉजी क्या है वो देख लेते हैं। तो अब इसको हम एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को मिलाते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ की है, बहुत सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहां पर एक ये सपोर्ट है और यहां पर ये दूसरा सपोर्ट है, इसलिए हमने यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब हम ऐसी एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे जिसमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पर है और दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर है। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और यह बन गया है एक ट्राइंगल पैटर्न। अब इसको ट्रेड किस तरीके से करना है, तो आपको जैसा कि ये रेड कैंडल दिख रही है, बेयरिश कैंडल है, तो इससे पहले जो ग्रीन कैंडल्स है उसको ब्रेक करेगा अगर ये रेड कैंडल तो ये नीचे आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं इस ग्रीन कैंडल के नीचे। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों खींची है, यानी कि ये डेली टाइम फ्रेम है तो ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है इसके ऊपर का जो इसने हाई बनाया था वो यहाँ बनाया था, उससे पहले जब ये क्लोज हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। तो इसके बीच में जो ये गैप है, आप ये गैप देख रहे हैं, ये गैप ये, इसलिए हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींची है। अब अगर ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से ब्रेक करेगा यहाँ से, तो हम इसको देख सकते हैं कि नीचे ये जो इसका सपोर्ट है, जो ये दो बार सपोर्ट ले रहा है, ये तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। और अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये और नीचे आ सकता है, जो हम इसको टारगेट सेट करते हैं यहाँ तक। तो इस तरीके से हम पैटर्न के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमको एक अच्छी जगह मिलनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। अगर यही ये स्टॉक बीच में होता तो हम इसको नो ट्रेडिंग जोन कर देते कि ट्राइंग पैटर्न के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन ये बहुत ऊपर है और सिर्फ ट्रेंड लाइन को अभी तक इसने टच किया है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये ग्रीन लाइन को, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है तो ये नीचे की ओर आएगा। अब अगर इसको अपसाइड देखें तो अगर ये पैटर्न को ब्रेक करता है तो ये हमको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इस तरीके से हमको अपसाइड मूवमेंट्स को रिटेस्ट पे ही बाय करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ ये ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैंने ट्रायंगल पैटर्न ही बनाया है, लेकिन इसमें अगर आप एक पैटर्न और देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक पैटर्न और क्या बन रहा है, वो है ये डबल टॉप पैटर्न। यानी कि इसका जो एक टॉप है वो ये है, दूसरा टॉप ये है और इसकी नेकलाइन है वो ये है, ये तो अगर ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करेगा तो हमको ये नीचे तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक डबल टॉप पैटर्न भी बना रहा है। और अगर ये हम ऊपर की साइड में देखें तो ये देखिए आप, एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है इसका, जैसा कि हमने देखा ये। तो अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी नो ट्रेडिंग जोन बना सकते हैं इस तरीके से। और आप इसको ट्रेड तभी करेंगे जब या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करेगा या नीचे पैटर्न का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेगा।
लेकिन आप इसके अंदर भी ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो ये सीधा हमको यहां तक देखने को मिलेगा टारगेट। तो ये तो हो गया इसका डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस के, डेली टाइम फ्रेम पे इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। अब हम इसको टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, और तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि ये एक तो डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। 1 आवर पे भी ये और ये देखिए आप, डबल टॉप पैटर्न, और ये इसकी नेक लाइन, ये इसकी नेक लाइन है। तो यहाँ हम इसको रख देते हैं, इसका एक और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर ये इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो ये हमको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ हम इसके एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, तो जैसा कि आपने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था और उसके बाद ये एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा था, तो उसी तरह से ये 1 आवर पे भी एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है और एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है हमारा। इसके बीच में हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और अगर ये ऊपर की तरफ अगर इसे ब्रेकआउट देगा तो हम ऊपर की तरफ इसको बाय कर सकते हैं, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा तो हम इसको नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं। तो जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पर भी ये पैटर्न बना रहा था, और ये आवर्ली टाइम फ्रेम पर भी ये डबल टॉप और ये ट्रायंगल पैटर्न ही बना रहा है, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर जिस भी स्टॉक को एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस होगा, और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे। तो टाइम फ्रेम का इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छा करते हैं तो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करोगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो और उसको आप इंट्राडे कर रहे हो, ऐसा नहीं। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करोगे उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अब हम इसको देखें तो अब इसको हम 15 मिनट करते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम हमने कर दिया है। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट पे हम एक ही स्टॉक को कितनी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि हमने 1 आवर पे और 1 डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि हमने डबल टॉप पैटर्न भी बनाया और ट्राइंगल पैटर्न भी बनाया, तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको उसी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको एक तरीके से देखूं तो इसमें भी एक ट्रायंगल पैटर्न तो बन रहा है जो डेली टाइम फ्रेम पर और 1 आवर टाइम फ्रेम पर बन रहा था, ये इस तरीके से। तो इसका सबसे पहले नो ट्रेडिंग जोन तो आप सबको पता ही है पैटर्न के अंदर। ये है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। अब इसका जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पर और सेकंड टारगेट है यहाँ पर, और इसका यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हम यहाँ रख लेते हैं और सेकंड टारगेट इससे ऊपर। तो अगर ये इस पैटर्न को ब्रेक करेगा तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये, और सेकंड टारगेट, और हमारा नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट होगा ये, और सेकंड टारगेट हमारा होगा यहाँ पर इस सपोर्ट के पास। और जो ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट को अगर हिट करता है तो उसके बाद जो टारगेट होगा वो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करेंगे। ये तो है ट्रायंगल पैटर्न, जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे भी बन रहा था और आवर्ली टाइम फ्रेम पे भी बन रहा था। अब हम इसको दूसरे तरीके से अगर एनालिसिस करें, जैसा कि एक ही स्टॉक को, एक ही चार्ट को बहुत सारे ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, सबका एक जैसा नहीं होता है, लेकिन जो टारगेट होगा वो लगभग लगभग सबका सेम ही होगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से अगर एनालिसिस करें तो एक इसमें डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है इस तरीके से, इसकी नेकलाइन है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है। तो ये है डबल टॉप पैटर्न, अब इसका जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम वो रखेंगे यहाँ पर, इसका जो सेकंड टारगेट रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पर। तो
और अगर अप साइड में अगर इसका टारगेट देखें तो हमको वही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ इसलिए की है हमने क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ऊपर की साइड देखेगा तो हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे और जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा वो होगा इसके पैटर्न के बीच में। तो ये तो हो गया एक दूसरा तरीका, यानी हमने इसमें ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया और इसमें डबल टॉप पैटर्न भी बनाया। अब हम मैं इसको अगर तीसरे तरीके से एनालिसिस करूं तो वो आप देखिएगा, आपको अगर इसमें दिख रहा है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, मैं इसमें एक बुलिश फ्लैग भी बना रहा हूं। ये फिर हम इसमें ये आपको पोल बना लेते हैं, ये तो ये देखिए आप एक बुलिश फ्लैग। अब इसमें भी सिंपल है, ये इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि एक बुलिश फ्लैग है तो इसकी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और उस हम रिटेस्ट पर बाय करेंगे। लेकिन अगर ये इसको एरिया को तोड़ता है जो कि डबल टॉप पैटर्न में इसकी नेक लाइन थी, यानी कि ये हिस्सा, अगर ये पॉइंट टूटता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इसका यहाँ पर होगा जहाँ पर हमारा ट्रायंगल पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न का सेकंड टारगेट था। उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है आप अगर ये, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सपोर्ट भी टूट रहा है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है तो फिर इसका टारगेट बड़ा ही होगा। हम उसको यहाँ पर सेकंड टारगेट के लिए इसको हम सेल कर देंगे। अब इसका जो नो ट्रेडिंग जोन होगा वो इस चार्ट पैटर्न के अंदर होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही चार्ट को हमने अलग अलग टाइम फ्रेम पर इतने अलग तरीके से एनालिसिस किया। डेली टाइम फ्रेम पर भी हमको ट्रायंगल पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न दिख रहा था, उसके टारगेट सेम थे, वैसे ही हमको आवर्ली टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा था, वैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमको पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी मिल रहा था, ट्रायंगल पैटर्न भी मिल रहा था और डबल टॉप पैटर्न भी मिल रहा था। तो एक ही स्टॉक को अलग अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके जो टारगेट होंगे और जो स्टॉप लॉस होंगे वो सभी के लगभग बराबर ही होते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि उसका टारगेट अलग है या आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। टारगेट रखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस रखें, उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो कोई भी ट्रेडर, यानी कि आप अगर कोई स्टॉक को एनालिसिस करते हो और आप किसी और ट्रेडर की एनालिसिस देखते हो तो आप सिर्फ टारगेट देखिए कि उसने टारगेट का रखा है, ये मत सोचिए कि आपके एनालिसिस गलत है, क्योंकि एनालिसिस करने का तरीका अलग हो सकता है, टारगेट लगभग सेम ही होगा। तो आप कभी भी किसी की एनालिसिस देखते हैं और आप अपनी एनालिसिस के साथ उसको क्रॉस चेक करते हैं तो ये मत देखिए कि उसने किस तरीके से हाँ, अगर आप देख के उसको सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एनालिसिस भी गलत नहीं है, आप अगर बस टारगेट देखिए कि उसने टारगेट का रखा है और आपका टारगेट भी अगर वहीं आ रहा है, मतलब एनालिसिस सही है। अब जैसे इसमें हम मैं तीनों करके देख लेता हूँ आपको, देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न बनाने का मेन रीज़न, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ रेजिस्टेंस, इसलिए हमने ट्रायंगल पैटर्न बनाया। अब एक तरीके से ये डबल टॉप पैटर्न भी है क्योंकि ये डबल टॉप, और इसी तरीके से ये एक फ्लैग पैटर्न भी है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ तो ये देखिए आप, तो आप इसको तीनों तरीके से कर सकते हो ट्रेडिंग, लेकिन इसमें आपके जो टारगेट होगा वो टारगेट यहीं पर ही आएगा और इसके ऊपर अगर ये जाता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करोगे उसके हिसाब से आपके टारगेट होंगे और उसके हिसाब से आपके स्टॉप लॉस होंगे। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उसका टारगेट उतना ही बड़ा और स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा, जितनी टाइम फ्रेम छोटी होगी उतना ही उसका टारगेट छोटा होगा और स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे और उसमें ये देखेंगे हम कितने तरीके से कोई स्टॉक को वापस एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक को एनालिसिस करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपको आउट्रो वीडियो में।
तो अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम किसी और स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से और अलग तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।